सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बात करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता जाहिर क्यों की है 498 को लेकर। इसलिए जाहिर की है कि बहुत सारे ऐसे केस है जो रात दिन कोर्ट भी देखते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस है जो गलत तरीके से केवल परेशान करने के मात्र से 498 का दर्ज कराया जाता है। क्योंकि ये जो कानून बनाए ये केवल महिला सुरक्षा, महिला के साथ अगर कोई क्रूरता होती है, महिला के साथ कुछ मारपीट होती है, ससुराल द्वारा उसे तंग किया जाता है, तो उसमें 498 का केस दर्ज होता है। लेकिन आजकल महिला द्वारा इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लग गए। घटना कब की है, घटना कब की नहीं, ये सारी चीजें लेकिन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है, जिससे जो व्यक्ति है जिसने ऐसा कुछ किया नहीं वो गंभीर रूप से परेशान होता रहता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा जाहिर की है, इसमें नितांत आवश्यकता है, इसमें कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो आए दिन होती है। लेकिन महिला सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कानून है, लेकिन महिला इसका गलत फायदा नहीं उठाए। क्योंकि अगर आपके पास ऐसी एविडेंस है, आपके पास घटना की डेट है, कब आपके साथ क्रूरता हुई है, कब आपके साथ मारपीट हुई, कब आपके साथ ऐसा हुआ, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप ऐसी चीज नहीं बताते आपके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आजकल रटी रटाई चीज़ें होती है, ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे 2 लाख रुपये की मांग की, मेरे साथ मोटरसाइकिल की मांग की, ये बहुत गलत है। 99% ऐसे केस है जो झूठे साबित होते हैं, क्योंकि वो कोर्ट में जाते ही बरी हो जाते हैं। तो कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि वो व्यक्ति बरी क्यों हो जाता है, वो व्यक्ति को सजा क्यों नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ ऐसे मुकदमे हैं जो झूठे हैं, इसी वजह से उनको सजा नहीं मिलती। अगर कोई हकीकत मुकदमा है तो बिल्कुल उसे सजा मिलनी चाहिए, यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। इसलिए दोस्तों किसी के साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल गलत है, वो FIR को क्यूसिंग भी करा सकते हैं। ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा जाहिर की है, टिप्पणी की है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि इस कानून में कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इस तरह किसी के ऊपर अगर झूठा आरोप लगाते हैं तो उनकी मानसिक और उनको टेस्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये इच्छा जाहिर की, इसके दोस्तों ये बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता की, क्योंकि 99% मुकदमे झूठे साबित हो रहे हैं और वो कोर्ट में जाकर बरी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।